सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रखंड कमेटी गिरिडीह ने शनिवार को सदर प्रखंड मुख्यालय में विश्वासघात दिवस के रूप में एक दिवसीय धरना दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विवेक गुप्ता ने की, जबकि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के जिलाध्यक्ष महादेव मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री दुबे ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार जनता से किए वादों से मुकर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान झामुमो ने आम जनता को कई मुद्दों पर आश्वासन दिया था, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने, पारा शिक्षकों का स्थायीकरण करने जैसे कई मुद्दे शामिल है। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार राय ने कहा कि हेमंत सरकार आने के साथ राज्य में बालू तस्करी, कोयला तस्करी, पत्थर तस्करी की छूट दे दी गई। जिस तरह से खुली छूट से सरकार को राजस्व का भारी क्षति हो रही है, उन्होंने कहा कि धरना के माध्यम से हम मांग करते हैं कि बालू, कोयला, पत्थर लूट के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई हो। मौके पर संदीप हरमिंदर सिंह बग्गा, संजीत कुमार सिंह, सीताराम वर्मा, वीरेंद्र वर्मा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह के चार मंडलों के द्वारा संयुक्त रूप से इस धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिस प्रकार राज्य सरकार ने युवाओं को छलने का काम किया है, चुनाव से पूर्व वर्तमान की हेमंत सरकार ने जो वादा किया था, किसी वादा पे सरकार खरा उतरने का काम नहीं कर रही है। सरकार हर क्षेत्र पर विफल है। सरकार बालू माफिया, कोयला माफिया, सब माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही है। सरकार किसानों का ठगने का काम किया है। सरकार बेरोजगारों का ठगने का काम किया है। सरकार महिलाओं को ठगने का काम किया है। चारों ओर अराजकता का माहौल है। आज जो सरकार पारा शिक्षकों को गलत तरीके से बरगला कर स्थायीकरण करने के नाम पर जीत के आई है, युवाओं को प्रति माह 5,000 रुपया महीना और 7,000 रुपया महीना देने के नाम पर जीत के आई है, वो सरकार 5,000 रुपया प्रति वर्ष देकर युवाओं को बेइज्जत करने का काम कर रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का मुख्य उद्देश्य सरकार के उन वादों को जनता के बीच लाना है, उन युवाओं को जगाना है जो युवाओं को बहला फुसला कर सरकार ने वोट लेने का काम किया है। ये वर्तमान की हेमंत सरकार हर क्षेत्र में विफल है।